ज्ञान वाली धरती मानसा दे ईमानदार जज्बे वाले जो गल दिल च है उही गल जुबान ते कहण वाले जुझारू लोकां दी धरती है। मैं तुहाडा सारयां दा इत्थे पहुंचण ते स्वागत करदा। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली जिन्हां ने देश दे विच राजनीति दी दशा ते दिशा बदल के रखती, पंजाब दे राजनीतिक मामलों के इंचार्ज दिल्ली तो तीन बार दे तिलक नगर तो MLA मेरे वीर जरनैल सिंह जी, रजिंदर नगर तो MLA ते दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन पार्टी के स्पोक्सपर्सन राघव चड्डा जी, विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, कोटकपुरा तो MLA ते किसान विंग दे साडे पंजाब दे प्रधान कुलतार संधवा जी, तलवंडी साबो तो MLA पार्टी दे सीनियर नेता बीबा बलजिंदर कौर जी, सारयां नूं जिन्हें भी तुसीं सारे कदम चल के आए हो साडे सिर मत्ते, सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारयां नूं सति श्री अकाल। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं हैगी, इत्थे असी कोई शक्ति प्रदर्शन करन नहीं आए, ना ही कोई वोटा मंगण आए हैं, क्योंकि हजे वोटां च बहुत टाइम है। असी तुहाडे नाल विचार वटांदरे करन आए हैं। जिस तरह मेरे वीर ने नौजवान मुंडे ने बोलते हुए ने दस्या कि अक्सर इस तो पहला लीडर आउंदे आ वो अवधियां सुना के चले जाते हैं, थोड़ी कोई नहीं सुनता, थानू बसा च लद के इत्थे लिआंदा जांदा है, बाद च जांदे होयां नू कोई समान सप्पा जी दा के लालच दिता जांदा, वह खुआ के घरे छड़ दिता जांदा है। पर इत्थे असी कोशिश कीती है कि हर वर्ग नू एक मौका मिले बोले। बड़ी वधिया डिस्कशन हुई है, भाई साहब वो अठवीं नौवीं गल नू भी कहिंदे सी वी दूजी गल इह है, क्योंकि दिल दे विच जज्बे सी भरे पए ने ना, किसी ने सुने ही नहीं, जज्बा मतलब पड़ास निकली हुई नहीं किते। लीडर आउंदे आ आप दियां सुना के चले जांदे आ। हुण पिछले 2014 तो लैके 2021 हो गई, सत सवा सत साल हो गए, नरेंद्र मोदी ने किसी की सुनी है? आपकी हरेक ऐतवार को कहता मेरे मन की बात। मैं क्या तेरे मन की बात तो बहुत सुन ली, साडे मन की बात तो सुनो ना। सो तुहाडे मन की बात सुनना आया सी, हुण आ फर्क है। बस इदां ही दिल्ली च हुंदा रहा, पार्टियां मैनीफेस्टो बनाउंदियां, हुण तक ड्राइंग रूम च बह के बनाउंदियां, और बनाउंदियां भी वोटां तो 15 दिन पहला, और दूजी पार्टी नूं देख लेंदे आ उन्होंने किन्ना लिखा, बई उन्होंने 2 लाख नौकरियां लिखिया, 2.5 लिख दो। उन्होंने की लिखा, उन्होंने सर 4 रुपये किलो आटा लिखता, 3 कर दिओ, किहड़ा देना है। केजरीवाल की कह गया बई चंडीगढ़, कहिंदा 300 यूनिट, अपना सुखा कहिंदा 400 कर दिओ, किहड़ा देनी है। केजरीवाल वो कहिंदा जो उन्हें करना है तो वह कर सकता है। दिल्ली दे विच भी मोहल्लियां च जा जा के लोगों नाल गल कर करके मैनीफेस्टो बनिया सी, भी हाँ भी की चाहिए, तुसी अपनी सरकार तो की चाहते हो। यह तो होगी ना गल डेमोक्रेसी वाली। हुण ड्राइंग रूम च चंडीगढ़ दिल्ली बह के बनाओगे तो फिर लोगों चाहोगे तो की बनूगा। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कल देखा होना मैनीफेस्टो चक्की फिरदा सी, कहिंदा मैं 92% वादे पूरे करते,
फिर भाई इतने कल्ले क्यों बैठे अज फिर कल कल्ले ही बैठा सी ना किड़े वादे पूरे करते दसो घर घर नौकरी का वादा सी कित्थे है सारे कर्जे माफ करन दा वादा सी कित्थे है समार्टफोन कित्थे ने 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन कित्थे है 51,000 रुपया शगन स्कीम कित्थे है साढ़े चार साल तक घरों निकले ही नहीं ते हुण चन्नी साहब आ गए आए तो इस करके है भी बिजली के समझौते रद्द करांगे बरगाड़ी का इंसाफ होगा माफिया राज खत्म होगा आए तो यह कह के सी एक महीना पांच दिन हो गए करते की फिर दे कुराज जांदी डोली वाली कार रोक ली 100 रुपया शगन देता किसी ज्ञानी के ढाबे ते चाह पी ली कि तार ढिली लगी पलास ना वह कसती ये मुख्यमंत्री का काम हुंदा यार बई स्कीम बना तो लोगों को कोई राहत दे नहीं जी कहते आही है साढ़े को फिर होर तो कुछ है नहीं सो वीरो आ मेरा पिंड है नाल इको पत्तन का पानी पीने आप जो हाल मेरे पिंड है खेती का वो थोड़े पिंड है अज तो 25-30 साल पहला मेरे पिंड हालत तो थोड़े पिंड भी यही होगी अज तो 25-30 साल पहला मेरे पिंड मुख्यमंत्री साहब जेड़े 4 ट्रैक्टर इंटरनेशनल महिंद्रा ते स्वराज 855 ट्रैक्टर वाले कहंदे कहौंदे जिमीदार हुंदे सी अज उन्हां चों 2-3 सब्जी बेच के गुजारा करदे आ 2-3 दिहाड़ियां ते जाण लग गए 2-3 जाके चीमे खड़ जांदे आ लेबर चौंक च सानू कोई दिहाड़ी ते लै जाओ किधर गया जिमीदार यार खत्म करके रखते तुसी दस दो थोड़े पिंड कोई जिमीदार खेती करके उदा घर वड्डा होया दसो ओ मुंडा बिल्कुल सही कह रहा सी साडा तां हुण काम यही रह गया प्लस टू कर लै पुत 6 बैंड 7 बैंड भज जाए इस मुल्क चो ये मुल्क रहन दे काबल नहीं रहा पुत हद है भगत सिंह होरां दी आत्मा तड़फदी होगी यार बाबे नानक दी धरती श्री गुरु गोविंद सिंह होरां दी चरण छोह प्राप्त धरती जिथे आपां बैठे हाँ अज इन्हां ने नरक बना के रखती अज उहनूं आपां छड़ छड़ के भज रहे हाँ धरती का कोई कसूर नहीं लोकां दा कोई कसूर नहीं लोग बहुत मेहनती ने धरती बहुत बजाऊ है जो मर्जी बीज लो मूंगफली बीज लो सूरजमुखी बाजरा जो मर्जी फसल बीज लो उग पूगी MSP है नहीं बेचांगे कितने अजीरी ने खा ले झोने ने 500-600 फुट ते पानी चला गया कितों बोर लाओगे इदू थले वाला पानी वैसे नहीं कम दा रहा लोगों का कोई कसूर इस सरकारां दियां नीतियां दा हुण वह मुकर गए FCI मुकर गई असी नहीं झोना खरीदना जदों सानूं लोड़ सी उदों असीं तुहाडे तों बजवा लिया हरी क्रांति नाल थोड़े तो काम लै लिया हुण असीं हुण साडियां उड़ीसा दियां जमीनां चल पईआं छत्तीसगढ़ दियां जमीनां चल पईआं आंध्र प्रदेश दियां जमीनां चल पईआं सानूं चौल उधरों मिलन लग गया धन्नवाद मौले बलद वांगू काम लै के पंजाब नूं छड्डण लगे ने कित्थे जावांगे हुण कित्थे जावांगे किडनियां बेच बेच के धीआं दे विआह कर रहे किसान पार्लीमेंट च बोलिया सी मैं गुरदे वेच वेच के चोरियों घर वाली तो गुरदे वेच वेच के धीआं दे विआह करने पै रहे ने कई बार तो डोली वाले दिन भी फाहे लगे ने दसो की करोगे कित्थे जाओगे ऊं गीतां च सानू बड़ा बड़े बना दे जट ऐ कर दो जट ने जट की रीस कोई नहीं जट कित्थे बाबियो आओ असली पिंडां जाके देखो यार कित्थे जिहड़ियां जीपां तुसीं गीतां च दिखाउंदे हो मैं मेरे सिंगर भरावां नूं बेनती करदा यार कदे पिंडां जाके तां देखो यार हैगियां उह
कहिंदे कचहरियां च मेले लगदे जदों पैंदी है तरीक किसी जट की जिन्हां दे कचहरियां च केस चलते हैं पुछ के देखो उन्हां नूं चुल्लियां च घां उग पैंदी है जिन्हां दे केस चलते हैं। सो वीरो फोकियां टौरां ये फोकियां फड़ां दे पिछे ना लगीए असलीयत दे पिछे आईए। जमीन हजे भी आपां नूं धरती मां है, मां कदे भी किसी चीज़ नूं जवाब नहीं दिंदी हुंदी, धरती मां है पर मां की इज्जत करिए। मां कहती मैं इतों जो मर्जी तुसी पुत लै लो पर इज्जत करो, मैं थोनू भुखे नहीं मरन दूंगी। मां कदे भी अपने बच्चे नूं भुखा नहीं मरन दिंदी। धरती नूं गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पवन हवा, हवा नूं गुरु का दर्जा, पानी नूं पिता का दर्जा, धरती नूं माता का दर्जा। गुरु साहब ने अपना हर रोज़ अपने गुरुद्वारा साहब के स्पीकरां चों ये पढ़िया जाता, पर आप तीनों दर्जे कायम रखे। हवा अपने जहरीली कर ली, स्प्रेयां कर करके धरती अपने जहरीली कर ली, पानी अपना काले रंग दा, देख लो जिहड़ी मर्जी कस्सी च जिहड़े मर्जी नाले च पानी काले रंग दा है। हुण तां जे किसी ने किसी नहर च छाल मार के खुदकुशी करनी होवे छाल मारन दी लोड़ नहीं पंजाब च, अद्धा घंटा वो किनारे बह जाओ, वो चो ऐसिया जहरीलियां गैसा निकल दी आप ही कम हो जाऊ थोड़ा। आ हालात बनाते पंज आब पंज पानिया की धरती, आने वाली पीढ़ियों वास्ते पानी छड़ना है भाई या नहीं? ना धरती वाला है ना नहर वाला है, कोई भी नहीं है अपने को, उही नाम का ही सूबा रह गया फिर अपना। ये वास्ते एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाउणियां पैणगियां, वास्ते सिर जोड़ने पैणगे, सरकारां नूं ते लोकां नूं आपस च सिर जोड़ने पैणगे। जिवें आपां अज आए हां, मैनूं पता गरदौरियां दा जिहड़ियां हुंदियां ने मैनूं पता है, मैं खुद स्प्रेयां करदा रहा नरमे च, मैनूं पता है। हुण तां बीटी कॉटन आ गया, उदों होर भी हुंदे सी, स्प्रेयां बहुत ज़्यादा हुंदियां सी, हरेक स्प्रे की ढोली तो बाद दो नींबू वाला पानी पीना पैंदा है भी कितने चढ़ना जाए फिर भी आथण नूं पता नहीं बेहोश हो जाऊँ की होगा, फलाने डॉक्टर दे लै जाओ, वध तो वध की होऊ भाई उन्होंने मुंडे नूं स्प्रे चढ़ गई, चलो भाई पल्लियां बिछा लो घरें मंजे चक दो, किस्मत है भाई चल बेचारा जिन्ना कर गया भोग गया लै। पैरां च ब्याइयां हो गई सीएम साहब, पैरां च ब्याइयां हो गई जदों पदान पाने ना जड़ी वो जीरी च पाने सर, वो ब्याइया राही थोड़े ब्लड च चढ़ती है, साडा खून जहरीला हो गया। होर देखो चिट्टे की गल कर दे, मेरे को संगरूर केस आया खन्ने तो, कहिंदे जी 2 साल का बच्चा समैकिया। मेरा मत्था ठणकिया, मैं हैरान 2 साल का बच्चा किवें समैकिया हो सकता भी? कहिंदे भी माँ का दुध पींदा सौ जांदा, सुत्ता रहिंदा 10 घंटे 12 घंटे, उठदा फिर लत्तां मारदा, फिर माँ का दुध पींदा सौ जांदा फिर सुत्ता रहिंदा। जो डाक्टरां कोले गए, डाक्टरां ने ब्लड चैक किया उहदा बच्चे का, तो ब्लड दे विच समैक सी। कारण मैं डाक्टरां नूं पुछिया, वो कहिंदे जी असल च इहदी माँ समैक पींदी सी, दुध दे विचों बच्चे नूं नशा मिलदा सी। सब तो पवित्र चीज़ मनी गई यार धरती ते माँ का दुध, वह भी जहरीला बनाता यार, फिर भी बंदे खुले फिरते ने यार, फिर भी आप उन्होंने मगर बोले सो चक देंगे, कमाल है यार, हद है, मतलब साड़ी नस्ल कुशी करती उन्होंने यार, जेनेसाइड के केस चलने चाहिए उन्होंने यार, तो फिर भी वह हजे फिरते ने, और बड़िया बड़िया जीपा राही सिक्योरिटियां उन्होंने घर मूहरे तंबू ला के बैठे उन्होंने राखी करते हैं, कौन बंदे ने वह? ब्लड की कहिंदा उन्हां दा, डीएनए की कहिंदा? जलियांवाले बाग दे विच तू सुणिया होणा, मैं पार्लीमेंट च बोलिया सी, जलियांवाले बाग दे विच जिस दिन जनरल डायर ने नरसंहार किया, 1000 तो वध पंजाबियों नूं शहीद किया, 5000 तो वध नूं जख्मी किया, तो उहदे फिर रोटी कित्थे खाधी सी शाम नूं जाके? मजीठ ठीक है घरें। मैं कहा जी खंडन कर दो, उत्थे आई सी ना मूहरे तुरी आउंदी सी, उधरों पुछिया सी हरसिमरत नूं, मैं कहा तू खंडन कर दे कि हाउस च मैं झूठ बोल रहा, उन्हां नूं तां डिनर कराउंदे रहे आ बाबे। आपां की उम्मीद करांगे कि पंजाब वास्ते कोई वफादारी कर लैणगे? सो पंजाब नूं
पंजाब बनाउणा है ना कैलीफोर्निया ना पैरिस ना लंडन भाई, साडा तां सानू पंजाब मोड़ दो बस। असीं तां आपदे पंजाब नूं पंजाब बनाउणा है, मानसा नूं मानसा बनाउणा है, बठिंडा नूं बठिंडा बनाउणा है। बठिंडे नूं वी कहिंदे सी कहिंदे पैरिस बनावांगे, बनाता। ओ चुन्नियां बटाउण च वी धोखा कर गई। मैं एक पिंड आया सी माखे, मैं कहा चुन्नियां बटाउण वाली मिली कदे दुबारा? वो मामा कहिंदियां पुत्त उह च वी धोखा कर गई। मैं किवें? कहिंदे सानूं कहिंदे चुन्नियां बटाऊ, असीं कहिंदी महंगीआं लिआईआं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ 30-30, 40-40 ਰੁਪਈਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਈ, ਸਾਥੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਲੁੱਟਣ ਕਨੀ, ਉਹ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤਹਾਈਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਐਤਕੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉੱਧਰੋਂ ਰੱਲੇ ਵਾਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਦੋ ਉੱਧਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਈ ਫੁੱਫੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਐਤਕੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਤਕੀ ਆਪਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਐਤਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੈ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਿਓ ਛੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਫਿਲਮ 40-50 ਸਾਲ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਫਿਲਮ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਇਹੀ ਚੱਲੂ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਰੂਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਯਾਰ। ਰੂਸਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਕਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 700 ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨੇ, ਰੂਸਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ISI ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੱਦ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਧਰਾ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ MP ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ, ਹਮੇ ਤੋਂ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਾਚਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ, ਇਹ PTC ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਦੱਸੀ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰੀਓਂ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ
वह माण नाल आपदे खेत जाए ना कि मजबूरी जाए यार फिर खेत ही जाना पैना होर कोई हीला है नहीं मतलब उन्हूं मजबूरी च ना ये काम करना पवे इस खेती नूं भी आपां लाहेवंद धंधा बनाईए प्रोडक्शन कॉस्ट घटाईए चंगे भा देईए और फसलों का जिहड़ा जिहड़ा जदों बेचते हैं उहदी जिहड़ी कीमत है वह वधिया मिले प्लस दो दिन च एक दिन च मिल जाए बस वह आपदे घरें जाए खुशी खुशी वह आपदे कबीलदारी दे विच मगन रहे धियां पुत्तां दे विआह करे बच्चे पढ़ावे तो बच्चों नूं इत्थे ही रखे असीं इक जहाज जिहड़े ने कनेडा अमरीका भर भर भेजी जाने ब्रेन ड्रेन हो रहा दिमाग बहुत वधिया वधिया दिमाग जिहड़े बाहर जा रहे ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नूं भी जिउंदी करिए तुसीं देखो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई तो इस करके सी कि नवें नवें खोज करिया करो नवें बीजां दी नवीं स्प्रेयां दी उन्हां दा आपदा नरमा मर जांदा है जिहड़ा उन्होंने बीजा होंदा वह कहिंदा साडा तां आप मर गया सी की करिए उन्हां कोल पैसे है नहीं जी बजट ही है नहीं उन्हां कोल खोजा करन नूं वह की कर तनखाह नहीं दे सकते सो मैनूं उम्मीद है सी एम साहब अज तुसीं थोड़ा जिहा रोडमैप जां थोड़ा जिहा एक जिहड़ा किसानां नूं उन्हां दी मंजिल वल दा रस्ता जिहड़ा उहदा एरो उहदा तीर दिखा के जाओगे कि आपां इधर नूं जावांगे सो आपां तां मिलदे रहांगे तो मैं चाहना कि आप ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त जिहड़ा आपां सी एम साहब जो इत्थे बोलणगे उन्हां दा आपां समां जिहड़ा वो इत्थे ज़्यादा इस्तेमाल करिए सो मेरी इन्नी हाजिरी कबूल करे बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह